हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ बिहार बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा 12वीं क्लास 12th सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान के बारे में इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्रश्न एक, स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? दूसरा प्रश्न, एकात्मक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज मीन्ट बाय यूनिटरी सिस्टम? स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? क्या होता है लाइब्रेरी? नगर निगम के क्या कार्य है? प्रश्न पाँच, जिला परिषद के गठन को संक्षेप में लिखिए। संघात्मक राज्य की चार प्रमुख विशेषताएं बताइए। आसियान के उद्देश्य क्या है? सामाजिक न्याय क्या है? व्हाट इज अ सोशल जस्टिस? संघ शासित क्षेत्र क्या है? व्हाट इज अ यूनियन टेरिटरी? नक्सलवाद से आप क्या समझते हैं? शाह जांच आयोग क्या थी? आपातकाल के दो नतीजे बताइए, एनी टू कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इमरजेंसी। हरित क्रांति के किन्हीं दो सकारात्मक परिणाम लिखिए। भारत की विदेश नीति के दो सैद्धांतिक आधार लिखिए। विधेयक क्या होता है, यानी कि व्हाट इज अ बिल? हाउ इज अ नॉन अलाइनमेंट डिफरेंट फ्रॉम न्यूट्रलिटी? गुट निरपेक्षता तटस्थता से अलग कैसे है? एक ध्रुवीयता और बहुध्रुवीयता में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंस बिटवीन यूनिपोलरिटी एंड मल्टीपोलरिटी। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? स्वतंत्रता के ठीक बाद भारत द्वारा सामना की गई किन्हीं दो प्रमुख चुनौतियों को लिखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार उद्देश्य बताना। स्टेट यानी फोर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। निम्न संयुक्त राष्ट्र संघों के में से चार के पूर्ण रूप लिखिए। यूनेस्को, UNDP, यूनिसेफ, WHO, UNSCR, UNEP। कारगिल युद्ध के कारण बताइए। 25वां प्रश्न, तिब्बत का पठार भारत और चीन के बीच तनाव का मुद्दा कैसे बना? दल बदल क्या होता है? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना क्यों की गई थी? वाई वॉज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट? नियति से साक्षात्कार भाषण किसके द्वारा और कब दिया गया था? द्विराष्ट्र सिद्धांत का क्या अर्थ है? दीर्घ उत्तरी प्रश्न, समकालीन विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का मूल्यांकन करें। 32वां प्रश्न, भारत की परमाणु नीति का उद्देश्य क्या है? सोवियत संघ के विखंडन के उत्तरदायी कारक बताइए। भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के उदय के कारणों का वर्णन करें। लोकसभा के गठन और कार्यों का वर्णन करें। ये सभी पांच पांच अंकों के प्रश्न दिए गए। इनमें से केवल चार प्रश्नों का यहाँ पर उत्तर देने हैं, या और ये सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।